हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सस्सी गार्डन्स। आज का हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन से, नेक्स्ट टॉपिक है कोन का यानी कि शंकु का। आज हम क्वेश्चन देखेंगे शंकु के, ठीक है। तो कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी 5 mm व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 m/min की चाल से पानी बहता है। 30 cm व्यास वाले आधार पर स्थित तथा 24 cm ऊंचे शंकु को पानी से भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी कि एक शंकु है जिसका आधार 30 cm व्यास है, आधार जो है 30 cm व्यास वाला है और ऊंचाई शंकु की कितनी है, 24 cm। और हमें ज्ञात क्या करना है कि जब पानी भरा जाएगा तो शंकु में पानी भरने में कितना समय लगेगा। एक बेलनाकार पाइप से पानी भरा जा रहा है, तो अगर ये हमारे पास शंकु है, ठीक है, इस शंकु की आधार का व्यास कितना दिया है, 30 cm, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 15 cm, ठीक है। ऊंचाई इसकी दी हुई है 24 cm। तो अगर हमें इस बेले में पानी भरना है तो क्या करना होगा, हमें इसका आयतन निकाल लेना होगा कि कितने आयतन में हमें पानी भरना है, वह आयतन हमें पता होना चाहिए। फिर जिस पाइप से पानी भरना है उसका आयतन हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं इस शंकु का जिसमें हमें पानी भरना है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 π × r। r कितनी है, 15, तो 15 × 15 हो जाएगा, इंटू h ऊंचाई 24 cm, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, पहले हम आयतन निकालेंगे उस पाइप का। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है जो आयतन है किसका, शंकु का, जिसमें हमें पानी भरना है। अब पानी किसे भरना है, एक 5 mm एक बेलनाकार पाइप से, एक बेलनाकार पाइप से हमें पानी भरना है जिसकी जिसका व्यास 5 mm है। व्यास 5 mm मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm, ठीक है। और इसमें पानी की स्पीड क्या है, 10 m/min, तो 10 m/min पानी भर रहा है, ठीक। तो हम 1 मिनट, अब यहां से निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे 1 मिनट में वो कितने आयतन पानी भरेगी पाइप। तो 1 मिनट में जितना आयतन पानी भरेगी उस आयतन से हम इसको भाग दे देंगे इस आयतन को, तो टाइम निकल आएगा कि टाइम कितना लगेगा। तो 1 मिनट में ये पाइप कितना पानी भरेगी वो निकाल लेते हैं। तो वी आयतन निकालेंगे हम इस पाइप का, ठीक है। इस पाइप का अगर आयतन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पाइप बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है, π × r², तो r क्या है इस पाइप का, 5/2 mm, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि पिछला जो आयतन निकला है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकला है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो 1 cm में कितने 10 mm होते हैं, तो यानी कि mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाय 10 करना पड़ेगा, तो 5/20 हो जाएगा, 5/20 × 5/20, क्योंकि π r² × h। h क्या हो जाएगा, हमने 1 मिनट में लिया, तो 1 मिनट में पानी कितना चल रहा है, 10 m चल रहा है, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 m, 1 मिनट में पानी की लंबाई 10 m, तो इंटू एच 10 m है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 × 100 m को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस आयतन से हमें भाग देना है, क्योंकि ये 1 मिनट का आयतन, यानी पानी 1 मिनट में कितना आयतन जो है पाइप 1 मिनट में कितना आयतन पानी भरेगी वो आयतन है ये, तो हमें टाइम निकालना है। तो शंकु के आयतन में ये जो शंकु का आयतन है 1/3 πx15 × 15 × 24, इस आयतन में हमें 1 मिनट में पाइप जितना भी पानी भर रही है उस आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो π × 5/20 × 5/20 × 10 × 100, इस आयतन से भाग दे देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा मिनट में, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसको 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आएगा, अगर 4 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 25 आएगा, और इस से 2, हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो पहले ये 25 है, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3, और ये कितना आ जाएगा, 5, इस 5 से ये 3 आएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा भी नीचे जो अपॉन में बचा है वो 2 बचा है जिसको ऊपर जाना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचा है, सिर्फ 3 और 24, 3 × 24 और अपॉन से 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 24 × 3 क्या होता है, 72, और 72 ×
टू कितना हो जाएगा, 144 मिनट आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से अभी मिनट में हमारा आंसर आया, तो सॉरी यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये पाँच शेष रह गया था, तो यहाँ पॉन में पाँच आएगा, तो जो आंसर आ जाएगा 144/5। तो ऐसा ध्यान देना होगा वहाँ कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन में जरा सी गलती हुई तो क्वेश्चन पूरा चला जाएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला के अलावा क्वेश्चन, तो फार्मूला कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फार्मूला तो याद ही रहता है सबको, वो तो कर ही लेगा, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है वो मेन पार्ट होता है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, 28 × 4/5 ये आ जाएगा हमारा, तो 20 इसको हम अगर कर लें तो 28 मिनट हो जाएगा, और ये 4/5 मिनट, इसको हम सेकंड में बदल लें तो क्या हो जाएगा, 28 मिनट और 4/5 को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 48, तो 48 सेकंड। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा, 28 मिनट यानी कि 28 मिनट और 48 सेकंड, ये हमारा समय आ जाएगा, जिस इतने समय में हम इस शंकु को पानी से, इस पाइप द्वारा पानी से भर देंगे। तो सिंपल था, हमें करना क्या था, जिस शंकु में पानी भरना है उसका आयतन हम निकाल लेंगे, ठीक है, और जिस पाइप से भरना है उसका हम एक मिनट में हमने निकाल लिया कि एक मिनट में कितना आयतन ये पाइप भरेगी, और एक मिनट में जितना आयतन पानी भरती है उससे हम इस आयतन को भाग दे देंगे, तो हमारा टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम में वो जो है ये आयतन शंकु का आयतन के बराबर पानी भर देगी, तो उससे डिवाइड करके हमने टाइम निकाल लिया, तो टाइम कितना है, 28 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी शंकुआकार टेंट के आधार की त्रिज्या 12 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। ठीक है, टेंट को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात करें, जबकि प्रति मीटर कपड़े की कास्ट दी हुई है 120 रुपीज, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कास्ट क्या है, 120 रुपीज। तो हमें जो ये बनाने में शंकुआकार टेंट बनाने में कितना लगेगा, तो शंकुआकार टेंट अगर होगी, ठीक है, तो इसकी क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 9 मीटर और आधार क्या दिया हुआ है, 12 मीटर। ठीक है, त्रिज्या आधार की दी हुई है 12 मीटर, तो त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अगर हमें टेंट का, किससे शंकुआ का टेंट बनाना है, तो उसकी कपड़ा कहाँ लगेगा, कपड़ा यही वक्रपृष्ठ पे लगेगा, ठीक है ना, तो हमें निकालना है यानी कि क्या है, वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दी हुई है, तो पूरी कॉस्ट हम निकालेंगे कि पूरे ये जो बनाने में टेंट कितना कॉस्ट लगेगी, तो हमें निकालना क्या है, वक्रपृष्ठ निकालना है, किसका, इस शंकु का। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, पाई आर एल, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या जो कि दी हुई है, और एल यानी कि एल क्या है, स्लैंट हाइट, ये तिरेक ऊंचाई, ठीक है, ये हमें दी नहीं हुई है स्लैंट हाइट, तो ये निकालनी है हमें। तो ये एक, देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये दी हुई है ऊंचाई यानी कि लंब, और त्रिज्या दी हुई है, तो 9 और 12 के साथ क्या बनता है, ट्रिपलेट 15 का बनता है, तो 9 और 12 के साथ जो हाइपोटेनस कर्ण बनता है वो 15 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 15, तो स्लैंट हाइट हम तुरंत रख देंगे, तो पाई 22/7 इंटू हमारे पास त्रिज्या 12 है, इंटू एल की वैल्यू क्या है, हमने निकाली 15। ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल आ जाएगा वक्रपृष्ठ का। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू अगर 3.14 हम लिख लें इंटू 12 इंटू 15, अब इसमें क्या करना होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कास्ट क्या दी, 120, तो ये कितना निकला, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है हमारा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना निकला है, तो अगर हमें कुल कास्ट निकालनी है, पूरी कास्ट निकालनी है, पूरा खर्चा निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, कुल मीटर में वैल्यू दी हुई थी, तो मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 120। ठीक है, और 120 को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, अगर इस 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 को क्या, 3 × 5 अगर ले लें, तो 5 से मल्टीप्लाई कराने का क्या होता है, 3.14 इंटू 12 इंटू 3 हम लिख लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करते हैं कि हाफ करके एक जीरो लिख देते हैं, तो हाफ 120 का हाफ क्या होगा, 60 लगा देंगे। 5 का मल्टीप्लाई यही होता है कि जो भी संख्या हो उसका हाफ कर लो और लास्ट में एक जीरो लगा दो, तो 120 का हाफ 60, एक जीरो लगा दें 600। अब ये डबल जीरो से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, दो अंक बाद दशमलव है, डबल जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 314 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 6।
अब मल्टीप्लाई करना है तो हम एक एक संख्या से करते जाएंगे क्योंकि इन संख्याओं की टेबल हमें आती है, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, हम सिंगल नंबर की टेबल से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 48 आएगा, तो 8 4 कैरी तो ये आ गया 16, ठीक है, 1 कैरी तो और 37 आ जाएगा, ये आएगा इंटू, अब 3 और 6 से करना है तो 3 से हम कर लेंगे, 3 से करेंगे तो 24 0, ठीक है, और 3 से करें तो 21 आएगा, 23 हो जाएगा और 9 2 11 इंटू 6 ये आएगा, हमें 6 से मल्टीप्लाई करा देना है तो लास्ट में आएगा 6 इंटू 4 24 आ जाएगा क्योंकि 0 है, 6 इंटू 3 18, 1 आएगा 6 7 और 6 6 7 8 2 4 ये क्या आ जाएगा रुपीज, तो इतने रुपए हमारे आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट आ गई पूरा बनाने में, पूरा जो है टेंट बनाने की कॉस्ट हमारी आ गई 6 7 8 2 4 रुपीज, तो यही हमें निकालनी थी। तो करना क्या था कि इस शंकु के इस शंकुआकार टेंट को बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात करना था, तो कपड़ा कहाँ लगाना है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल में, 13 पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया और फिर दिया क्या हुआ था 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई थी 120 रुपीज, ठीक है, तो उस जो भी क्षेत्रफल निकला उसमें 120 से मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट निकाली, तो कॉस्ट आ गई इस टेंट को बनाने में लगने वाले कपड़े की कॉस्ट कितनी आई 6 7 8 2 4 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक अर्ध गोले को पिघलाया गया है तथा शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर अर्ध गोले की त्रिज्या के बराबर, यानी जो शंकु बनाया गया उसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर है और अर्ध गोले की भी त्रिज्या कैपिटल आर है, यदि एच शंकु की ऊंचाई है तो एच और आर में संबंध हमें बताना है, तो यहाँ किसको अर्ध गोले को पिघलाकर यानी कि एक हेमिस्फीयर को मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है, तो कोन कैसे बनाएगा, जब हम हेमिस्फीयर को मेल्ट करेंगे तो जो आयतन निकलेगा यानी कि अर्ध गोले को पिघलाकर जो आयतन निकलेगा उसी आयतन से हम शंकु को बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ होगा क्या कि जब भी हम एक आकृति को पिघलाकर यानी कि एक शेप को पिघलाकर दूसरी शेप बनाते हैं तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो हम दोनों के आयतन बराबर कर देंगे उसी से हमारा संबंध आ जाएगा, क्योंकि एक से पिघलाकर दोनों को दूसरे को बनाया गया है तो दोनों के आयतन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो अर्धगोले का 2/3 πr³ और त्रिज्या क्या दी हुई आर, अर्धगोले के भी त्रिज्या आर है, इक्वल टू हो जाएगा क्या शंकु बनाया गया, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² एच, तो इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर है तो आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कैपिटल एच दी हुई है, तो ऐसे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहाँ सिंगल आर बचेगा आर क्यूब है और पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 2r बचेगा और उधर कैपिटल एच, तो कैपिटल एच और संबंध क्या आ गया एच इक्वल टू 2r, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, बस करना क्या था कि एक शेप से पिघलाकर दूसरी शेप बनाई जा रही थी, तो जब भी एक शेप से पिघलाकर दूसरी शेप बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतन बराबर होते हैं, तो दोनों के आयतन हमने इक्वल कर दिए और आंसर आ गया, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तल्लंबवृत्ती शंकु को समान आयतन वाले दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि एक तल है जो लंबवृत्ती शंकु को दो समान भागों में विभाजित करता है, यदि तल आधार के समांतर हो यानी कि जो तल है वो आधार के समांतर है तो शंकु की ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, तो पहले हम शंकु मान लेते हैं, ये शंकु दिया हुआ है मान लिया हमने, ठीक है, और इसके समांतर एक तल जो है वो इसको दो बराबर भागों में, दो बराबर आयतन वाले भागों में बांट रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि दो समान आयतन वाले दो भागों में विभाजित करता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये हमने रख दिया, दोनों के आयतन क्या हैं समान है, ठीक है, तो उनकी ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी ये हमें चेक करना है, तो हम पूरी ऊंचाई पहले शंकु मान लेते हैं कैपिटल एच, ये ऊंचाई हम मान लेंगे एच वन और ये जो नीचे की ऊंचाई बची है एच टू, तो यही निकालना है हमें एच वन अनुपात एच टू, यानी कि जो ऊंचाई है शंकु की पूरी एक किस अनुपात में डिवाइड हो जाएगी, तो एच वन अनुपात एच टू में डिवाइड हो रही है, तो इसलिए एच वन और एच टू का अनुपात हमें निकालना है, तो चलिए देखते कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे इस पार्ट का और इस पार्ट का आयतन क्या है बराबर है, तो लिख लेते हैं बी डी ई सी
आयतन अपॉन, ये क्या है ऊपर भाग एबीसी, भाग एबीसी का आयतन, दोनों के आयतन क्या थे बराबर, तो अनुपात क्या है 1/1। अब क्या करें, अगर हम इस भाग में यानी कि ये जो भाग है इसमें ऊपर के इस भाग का आयतन जोड़ दें तो पूरे शंकु का आयतन आ जाएगा, यानी कि इस भाग में इसको हम जोड़ दें तो पूरा आयतन आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड, इससे क्या होगा जब हम एलसीएम लेके इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो बी डी ई सी का वॉल्यूम आयतन प्लस आ क्या जाएगा ए बी सी का, जब एलसीएम लेंगे तो जुड़ जाएगा ए बी सी का वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा ए बी सी पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, ए बी सी का वॉल्यूम, ए बी सी पार्ट जो शंकु है उसका वॉल्यूम, इसको भी ऐड कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/1, ये आ गया हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा ए डी ई पार्ट बन जाएगा, यानी पूरा शंकु बन जाएगा। तो पूरे शंकु का आयतन यानी कि ए डी ई का आयतन वॉल्यूम अपॉन ए बी सी पार्ट का वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब देखो ये दोनों समांतर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो जैसे जब 2D फिगर में हमने देखा था कि जब दो त्रिभुज समांतर हो जाते हैं तो उनकी संगत उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ एक त्रिभुज टाइप से बन जाएगा शंकु है, यहाँ 3D फिगर है तो यहाँ आयतन निकलेगा। तो अगर 3D फिगर में हम क्या लें, अगर पूरा शंकु लें तो उसका ये कोण तो दोनों का कॉमन होगा इस छोटे शंकु के, और ये क्या हो जाएगा दोनों समांतर हैं तो ये इसके संगत कोण बन जाएगा और ये इसके संगत कोण, यानी कि ये जो बड़ा त्रिभुज वाला बनेगा क्या शंकु, वो छोटे शंकु के क्या हो जाएगा समरूप, समरूप में। अब ये 3D फिगर है तो यहाँ समरूप में 3D फिगर में आयतन, आयतन का अनुपात क्या होता है संगत भुजाओं के क्यूब के अनुपात के बराबर, ठीक, आयतन का अनुपात क्या होता है संगत भुजाओं के क्यूब के अनुपात, यानी कि ऊंचाई तो दोनों की ऊंचाई ले लेंगे, ऊंचाई के क्यूब के बराबर हो जाएगा, आधार की त्रिज्या लेंगे तो आधार की त्रिज्या के क्यूब के बराबर होगा अनुपात आयतन का, और स्लैंट हाइट यानी कि तिरेक ऊंचाई लेंगे तो तिरेक ऊंचाइयों के क्यूब के बराबर होगा क्या आयतन दोनों का। तो यहाँ दोनों के आयतन का अनुपात दिया हो तो आयतन का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, हमें अनुपात निकलना किस में, ऊंचाई में, तो हम यहाँ ऊंचाई वाला लेंगे तो ऊंचाइयों के क्यूब के अनुपात के बराबर होगा। तो ये पहला क्या था ए डी ई यानी कि पूरा, तो पूरे की ऊंचाई क्या लेंगे कैपिटल एच, तो कैपिटल एच का क्यूब अपान छोटे वाले की ऊंचाई क्या है एच वन, तो इस एच वन का क्यूब, तो एच क्यूब अपान एच वन क्यूब, तो एच अपान एच वन क्या आ जाएगा क्यूब रूट ले लेंगे इधर, तो क्यूब रूट ऑफ 2/1, ठीक है ये आ जाएगा। लेकिन हमें अनुपात किस में चाहिए, एच वन एच टू में चाहिए, तो अगर हम कैपिटल एच में इस एच वन को लेस कर दें तो एच टू आ जाएगा कि नहीं, तो हमें एच टू लाना है, तो क्या करेंगे यहाँ वन लेस कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो वन लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे एच माइनस एच वन अपान सॉरी इसको बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस एच वन अपान एच वन इक्वल टू यहाँ पे आ गया क्यूब रूट ऑफ 2/1/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h2 आ जाएगा, तो बनेगा क्या h2 अपान h1 आ जाएगा, कितना क्यूब रूट ऑफ 2/1/1, ठीक है। लेकिन हमें h1 अनुपात h2 चाहिए, तो h1 अनुपात h2 क्या हो जाएगा, दोनों का हम उल्टा कर दें तो h1 अपान h2 हो जाएगा, एच वन अनुपात एच टू ही लिख लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि वन अनुपात क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2/1, तो टू उधर जाएगा क्योंकि इनको उल्टा कर दिया, एच टू अपान एच वन था तो एच वन अपान एच टू कहेंगे, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो वन अनुपात इतना आ जाएगा, एच वन अनुपात एच टू हमारा आंसर आ जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा था कि शंकु की ऊंचाई किस अनुपात में डिवाइड हो जाएगी, तो इस अनुपात में हो जाएगी डिवाइड, वन अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2/1, ठीक है। तो इसमें सिंपल था, क्या करना था कि ये जो शंकु दिया हुआ था इसमें आधार के समांतर एक जो है तल, इसको समान आयतन वाले दो भागों में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो पूछा गया था इसकी जो ऊंचाई है शंकु की उसकी अनुपात में डिवाइड होगी, हमने h1 और h2 दोनों की मान ली, ठीक है। तो पहले क्या किया कि इस शेप का और इस शेप का आयतन बराबर था, दोनों का अनुपात 1/1 आएगा, 1 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो पूरे शंकु का आयतन आ जाएगा, तो जब 1 ऐड किया तो एलसीएम लेके ऐड हो गया तो पूरे शंकु का आयतन बटे ए बी सी पार्ट का आयतन आ गया 2/1। तो आयतन क्या होता है, जब भी समरूप समरूप शेप हो शंकु के तो उनके आयतन का अनुपात होता है संगत भुजाओं के क्यूब के अनुपात के बराबर। तो संगत में क्या लेंगे, अगर ऊंचाई लेंगे तो दोनों की ऊंचाइयों के क्यूब के अनुपात के बराबर, आधार की त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्याओं के क्यूब के अनुपात के बराबर होगा आयतन, और अगर स्लैंट हाइट यानी कि तिरेक ऊंचाई लेंगे तो तिरेक ऊंचाइयों के
क्यूब के अनुपात के बराबर होगा उसका आयतन का अनुपात। तो वहां से हमने ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। तो इस अनुपात में ऊंचाई यानी कि डिवाइड होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी का आयतन यानी कि बकेट का वॉल्यूम पूछा गया है। तो बकेट क्या बनती है? बकेट एक छिन्नक बनता है यानी कि फ्रस्टम बनता है। क्यों? छिन्नक कैसे बनता है कि कोई भी शंकु दिया हो उसका ऊपर का पार्ट अगर कट कर दिया जाए कहीं से तो ये छिन्नक बन जाता है, ठीक है। ये छिन्नक बन जाएगा, ठीक, ये छिन्नक बनता है। तो अगर इसी को उल्टा कर दें हम तो क्या बन जाता है? एक बकेट। बकेट का आकार कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है। तो इसको अगर उल्टा कर दें तो ये भी क्या है? एक फ्रस्टम है यानी कि छिन्नक है, ठीक है। तो इसका आयतन यानी कि बाल्टी का आयतन एक बकेट का वॉल्यूम पूछा गया है। तो हमें यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। तो ये सेफ हो जाएगा क्या? एक फ्रस्टम के इक्वल। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला हम लगा देंगे। तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच इंटू क्या होता है? कैपिटल आर स्क्वायर यानी बड़ी वाली त्रिज्या, जैसे कि बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये होता है फार्मूला। तो इसमें वैल्यू रख के हम आयतन निकालेंगे। तो 1/3 इंटू पाई था तो 22/7 इंटू एच, और एच ऊंचाई क्या दी हुई है कि ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, तो 45 सेंटीमीटर रख देंगे। और अंदर क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर यानी बड़ी वाली त्रिज्या। तो त्रिज्याएं कम से 28, तो एक हो जाएगी 28 का स्क्वायर, और सेकंड छोटी वाली 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ 28 का वर्ग चाहिए स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर का अगर आपको याद हो तो अच्छा है, क्योंकि 30 तक तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि 30 तक काफ़ी हो जाता है। अगर ना याद हो वहाँ पे तो तुरंत स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप देख लीजिए। कोई भी संख्या दी हुई हो जैसे 28 दिया हो तो 28/28 ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए? इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई करके एक अंक लिखेंगे सिर्फ। तो 8 × 8 कितना होता है? 64। तो 4 लिखेंगे, 6 क्या हो जाएगा? कैरी, यानी कि एक स्थान सिर्फ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 8 × 2 और ये भी 8 × 2 दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों सेम आएंगे, 8 × 2 16, 8 × 2 16 दोनों आएंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16 + 16 क्या हो जाएगा? 32। यहाँ पे क्या आया था? कैरी हमारा 6, तो ये आया 32 + 6 क्या हो जाएगा? 38। तो 8 लिखेंगे सिर्फ, 3 कैरी हो जाएगा। तो 2 × 2 आगे फिर दहाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, और 4 यहाँ पर कैरी क्या आया था? 3। तो 4 × 3 7, 7 × 8 4 आ जाएगा हमारा क्या वर्ग 28 का। तो बस सिंपल। तो ये ट्रिक सिंपल होती है काफ़ी, क्योंकि सब में लग जाएगी, कोई भी संख्या हो दो अंकों की सभी में आप लगा लीजिए इसको। तो अगर आप यूज टू हो जाएंगे यानी कि इस ट्रिक को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। बस करना क्या है? कई के अंकों को मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और देन जो दहाई का अंक है उसका मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया 28 का वर्ग। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45, और अंदर क्या आ जाएगा? ये 784 आ गया, प्लस ये आ गया 49, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करना तो इसको हम देख सकते हैं 7 है और ये 28 क्या है? 14 × 2 है, ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, यानी 14 × 14 बन जाएगा, जो कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ये चीज़ें आपको बस देखते ही आ जानी चाहिए कि 28 लिखा है तो 14 × 2 है, और 7 × 2 = 14 होता है, यानी 14 का वर्ग कर देंगे 194 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू, हमें यहाँ ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? 196 ऐड करना है अगर इसमें, तो हम डायरेक्ट 200 ऐड कर लेंगे। 200 ऐड करने में क्या होगा? 4 स्टार ऐड हो जाएगा, तो उसको बाद में हम लेस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर 784 में 200 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 984 आता है। 984 4 स्टार ऐड कर लिया था ना, तो 4 लेस कर दीजिए तो बचेगा क्या? 980 बचेगा ना, 980 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम सिंगल सिंगल ऐड करते हैं डाउट होता है कि कैरी क्या बचा था, हमने सही लिया या नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आप अगर बड़ी सी संख्या डायरेक्ट ऐड करें तो, क्योंकि हमने इससे 200 ऐड किया तो 4 जो है स्टार्ट किया था, तो 4 बाद में लेस कर दीजिए। अब यहाँ हमें 49 ऐड करना है, तो 50 डायरेक्ट ऐड कीजिए ना, तो 50 ऐड कर देंगे तो 1030 आएगा, 1 लेस कर दीजिए क्योंकि 1 स्टार ऐड कर लिया, तो बचेगा क्या? 1029, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1029 वहाँ का ऐड पूरा,
ऐड करके हमने ये निकाल लिया 1029। अब 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से पूरा पूरा जाना चाहिए तो 3 आएगा और 32 4 और ये आ जाएगा 7 147 आएगा। और 3 से डिवाइड करें इसको हम, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आगे भी हमें करना है कैलकुलेशन, तो 15 से मल्टीप्लाई कराना है इसको, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या कराना होगा, हमने कहा था 15 को 5 इंटू 3 में कर लीजिए, और 5 से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या होता है, 12 को हाफ करिए 11 और एक जीरो लगा दीजिए 110 इंटू 3 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा चुके तो 3 आएगा इंटू 147। अब क्या करना है, बस जस्ट 11 से मल्टीप्लाई कराइए फिर 3 से मल्टीप्लाई कराइए, आसान हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई का ठीक क्या होती है, जैसे 147 दिया हुआ है तो 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इंटू 11 है तो कोई भी हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इकाई का अंक लिख लीजिए उसके बाद इसको ऐड करिए तो 74 कितना हो जाएगा 11, 1 रखिए 1 कैरी हो जाएगा, 41 कितना हो जाएगा 5, 5 से क्या हो जाएगा 6, 1 कैरी वाला ऐड करेंगे और 1 फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई, तो 11 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बस इकाई का अंक लिखना है फिर नेक्स्ट ऐड करके लिखना है, कैरी लेते जाना है क्योंकि एक ही अंक लिखना है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट ऐड करना है, फिर ये सिंगल ऐसे रख लेना है, तो ये आ गया 11 का मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें 3 से जस्ट मल्टीप्लाई करा देना और 0 लिख लेना है ये। ठीक है, तो 1010 से मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों का, अब 3 से इसको करा लेंगे आंसर आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं 30 और 3 × 7 21 होगा, 1 आएगा 2 कैरी आएगा 3 × 1 3 × 5 और 3 × 6 18 814 तो 48510 ये आ जाएगा हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये आयतन पूछा गया था बकेट का वॉल्यूम पूछा गया था, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इसमें फ्रस्टम का फार्मूला लगा दिया छिन्नक का और वैल्यू रख दी सभी की, तो यहाँ पे आयतन हमारा आ गया बकेट का आयतन हमसे पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अगर देखें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है, क्योंकि फार्मूला आप याद कर लीजिए तो आपको यानी कि मेथड तो तैयार हो जाएगा कि जस्ट फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ बस एक ही चीज़ आपको करना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है, तो जब भी आप क्वेश्चन को मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कभी ऐसा मत करें कि आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़ लें और देख लें कि इस मेथड से लगेगा और छोड़ दें, हमेशा आप घर पे कैलकुलेट जरूर करें, कैलकुलेट करके आंसर जरूर निकालें, क्योंकि आप अगर घर पे आंसर निकालेंगे तभी जाके वहाँ निकाल पाएंगे। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ दिया है कि इस मेथड से लग जाएगा मैं लगा लूंगा और छोड़ दिया, तो फिर आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहाँ कैलकुलेट जल्दी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में अगर डेली आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन फास्ट होगी, और आपको कुछ तरीके भी कैलकुलेशन के सीखने होंगे कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। ठीक है,